वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ऋचा और आज हम लोग सेंट्रल टीटी एग्जाम में आने वाला जो साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे जो सेंट्रल टीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स डैश के उपचार में प्रभावी है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इन्फ्लुएंजा, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है हेपेटाइटिस, थर्ड ऑप्शन दिया गया है डेंगू बुखार और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है हैजर। अब हैजर जैसा कि जीवाणु से भी यानी बैक्टीरिया से, वाइब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है, तो अब इसके इलाज में डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, प्रतिजैव की दी जाती हैं। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी मैथ 2012 में पूछा गया है, मलेरिया का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है प्रोटोजोअन, सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है वायरस, थर्ड ऑप्शन दिया गया है बैक्टीरिया और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है फंगस। तो जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोअन्स के कारण होता है, प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है जो कि एक प्रोटोजोअन्स है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी जुलाई 2012 में पूछा गया है, दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं, इनमें से एक आवास, जल तथा पोषण तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है, जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्वपोषण। तो स्वपोषण में वो आते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं जैसा कि प्लांट। सेकेंड में ऑप्शन दिया गया है पैरासाइट। तो पैरासाइट जो है अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं और उसको जिस पे डिपेंड होते हैं उसको हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। थर्ड ऑप्शन है विषम पोषण यानी हेटरोटॉप्स और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है सहजीवी। तो सहजीवी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो दोनों साथ रहते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फोर होगा, सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2014 का क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में कुछ खोज दी गई है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है और इसमें पूछा गया है वैज्ञानिकों के नाम का उनकी खोज से सही मिलान कीजिए। तो जो सूची फर्स्ट है उसमें ए है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसके सामने दिया गया है एंथ्रेक्स जीवाणु। बी है एडवर्ड जेनर, उसके सामने दिया गया है किंडवन। थर्ड है लुईस पाश्चर, उसके सामने दिया गया है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। और फोर्थ है रॉबर्ट कोच, और डी है रॉबर्ट कोच, उसके सामने दिया गया है फोर्थ नंबर पे पेनिसिलिन और फिफ्थ नंबर पे दिया गया है चेचक का टीका। और ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में जो है ए का मिलान फोर्थ से किया गया है, बी का नंबर टू से किया गया है, सी का फाइव से किया गया है और डी का थ्री से किया गया है। ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन में जो है ए का थ्री से, बी का फाइव से, सी का टू से और डी का फोर से किया गया है। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन में ए का फोर से, बी का फाइव से, सी का टू से और डी का वन से किया गया है। ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन में ए का वन से, बी का थ्री से, सी का टू से और डी का फोर से किया गया है। अब जैसा कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो खोज की थी पेनिसिलिन की, यानी ए के सामने हो ए का मिलान होगा फोर्थ से, और एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने खोज की थी चेचक के टीके की, और लुईस पाश्चर ने खोज की थी किंडवन की यानी फर्मेंटेशन की, और रॉबर्ट कोच ने खोज की थी एंथ्रेक्स जीवाणु की। तो अब इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रोटोजोआ, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है फंगफूड यानी फंजाई, थर्ड ऑप्शन दिया गया है विषाणु यानी वायरस और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है बैक्टीरिया। तो जो पोलियो होता है वो वायरस की वजह से होता है, विषाणु की वजह से होता है। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2015 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य में होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है। तो फर्स्ट में दिया गया है खसरा, पोलियो और टाइफाइड। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में जो टाइफाइड दिया गया है वो तो वायरस से होता नहीं है, वो तो जीवाणु से होता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड में दिया गया है
खसरा, टाइफाइड और क्षय रोग। तो देखिए, टाइफाइड और क्षय रोग तो होता नहीं है वायरस से, तो आपका सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब थर्ड ऑप्शन में दिया गया है खसरा। तो खसरा तो मीजल्स वायरस से होता है, और इसमें चिकन पॉक्स दिया गया है जो कि वेरिसेल्ला जोस्टर नामक विषाणु से होता है। तो चिकन पॉक्स भी विषाणु से होता है, वायरस से होता है। और थर्ड नंबर पे जो दिया गया है हेपेटाइटिस ए, तो ये एक लीवर का डिजीज होता है जो कि वायरस हेपेटाइटिस ए के कारण होता है। तो इसका वायरस के नाम पे ही नाम भी पड़ गया है, हेपेटाइटिस ए। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन तो सही है। और फोर्थ में फिर देखिए, चिकन पॉक्स दिया गया है, मलेरिया दिया गया है, हेपेटाइटिस ए दिया गया है। तो मलेरिया तो वायरस की वजह से नहीं होता है, तो प्लाज्मोडियम नामक जो है प्रोटोजोन्स की वजह से होता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2015 में पूछा गया है। सूची फर्स्ट के जीवों का मिलान सूची सेकंड में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो सूची दी गई है, ए के सामने दिया गया है लैक्टोबैसिलस, और उसके सामने दिया गया है सूची टू में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और बी ऑप्शन में दिया गया है प्रोटोजोआ सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड में उसके सामने दिया गया है एड्स। सी दिया गया है राइजोबियम सूची फर्स्ट में, और उसके सामने सूची सेकंड में दिया गया है मलेरिया, और डी नंबर पे जो दिया गया है सूची फर्स्ट में विषाणु, और सूची सेकंड में दिया गया है दही का जमना। तो देखिए, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से दही जमती है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि इनका सही मिलान है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो लैक्टोबैसिलस जो है कि मैचिंग जो है फोर्थ नंबर से होगी। तो देखिए, ए के सामने ऑप्शन नंबर थ्री में फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, और ऑप्शन नंबर फोर में भी ए के सामने फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, और फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो यही रिजेक्ट हो गए। अब सेकंड नंबर बी पे जो प्रोटोजोअन्स है उसकी वजह से मलेरिया होती है प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट से। तो अब देखिए, बी के नीचे थर्ड ऑप्शन में भी तीसरा दिया गया है, और फोर्थ ऑप्शन में जो है ए वन दे दिया गया है बी के नीचे, तो ये तो मिसमैच हो गया। तो अब चलिए, यहाँ थर्ड ऑप्शन हम लोग का सही चल रहा है अभी तक। अब सी के सामने देखिए, थर्ड ऑप्शन में वन दिया गया है, यानी राइजोबियम का मिलान जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। तो हाँ, राइजोबियम जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो ये भी सही है। और डी विषाणु के जो है उसके सामने थर्ड ऑप्शन में सेकंड दिया गया है, यानी एस। तो एस जो डिजीज होती है वो एचआईवी नामक वायरस से फैलती है। तो इस क्वेश्चन में हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2016 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से जो जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में है मलेरिया, पोलियो और मियादी बुखार, टाइफाइड। तो देखिए, जीवाणुओं द्वारा तो ना ही मलेरिया होता है क्योंकि ये प्रोटोजोन्स के थ्रू होता है, और पोलियो जो है वायरस से होता है। तो इसमें ये ऑप्शन यही गलत हो गया। सेकेंड में देखिए, छोटी माता, तनिक सोथ यानी मेनिनजाइटिस और तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस दिया गया। तो छोटी माता जो होता है वो वायरस की वजह से होता है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में देखिए, तपेदिक दिया गया है यानी ट्यूबरकुलोसिस जो कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। निमोनिया दिया गया है, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से होता है, तो ये भी सही है। और थर्ड नंबर पे इसमें दिया गया है थर्ड ऑप्शन में मियादी बुखार यानी टाइफाइड जो कि सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से होता है। तो थर्ड ऑप्शन में तो सब जीवाणु से ही होने वाले हैं। अब फोर्थ में फिर से देखिए, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, पोलियो दिया गया है, तो इसमें भी पोलियो, छोटी माता, ये सब जो है वायरस से होता है। तो इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2016 में पूछा गया है। नीचे दिए गए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड पर विचार कीजिए जिनमें सूची फर्स्ट में सूक्ष्म जीवों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में उन वर्गों के नाम दिए गए हैं जिनसे वे संबंधित हैं। तो फर्स्ट सूची फर्स्ट में ए जो है स्पर्जिलस है, उसके सामने सूची सेकंड में फर्स्ट नंबर पे सवाल दिया गया है। अब बी लैक्टोबैसिलस सूची फर्स्ट में और सेकंड नंबर पे है जीवाणु। सी में सूची फर्स्ट में पैरामीशियम दिया गया है और सूची सेकंड में दिया गया है कवक तीसरे नंबर पे। और डी जो है उसमें सूची फर्स्ट में स्पायरोगायरा है और सूची सेकंड में फोर्थ नंबर पे प्रोटोजोआ दिया गया है और फिफ्थ नंबर पे विषाणु दिया गया है। तो अब कूट हैं, तो अब चुनना है कि उनसे संबंधित क्या है। तो देखिए, एस्परजिलस जो होता है वो फंगस होता है यानी फंजाई होता है।
यानी अब देखते हैं हम किस ऑप्शन में ए के नंबर किस नीचे 3 दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ए के नीचे 3 दिया गया है और ऑप्शन नंबर थर्ड में भी जो है ए के नीचे 3 दिया गया। अब सेकंड नंबर पे आया लैक्टोबैसिलस, जो कि एक जो है बैक्टीरिया होता है जो दही बनता है, जो दूध से दही जमती है, इसी बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो अब देखा जाए बी के नीचे कहां नंबर 2 दिया है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ऑप्शन नंबर 3 में दोनों में बी के नीचे 2 दिया है ऑप्शन। अब तीसरा देखा जाए कि सी के सामने पैरामीशियम जो है वो एक प्रोटोजोआ है, तो अब देखते हैं हम कहां सी के नीचे नंबर 4 दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड दोनों में सी के नीचे 4 दिया गया है। अब डी बचा, तो डी स्पाइरोगायरा जो वो एक एल्गी है, एल्गा, तो एल्गी है, सैवाल है। तो देखिए डी के नीचे हम देखते हैं कहां फर्स्ट दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है डी के नीचे 1 दिया गया है और 3 में यहां देखिए गलत हो गया है, जो विषाणु दिया गया है 3 में। तो यहां आपका ऑप्शन नंबर सही फर्स्ट जो है सही से मैच कर रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। थैंक यू।